ये हमारे सारे भाई लोग हैं। ये वो भाई हैं जिनका वीडियो वॉइस नोट पे आया था, पाकिस्तान के हैं, पहला बंदा जिनको कतर से माल्टा वीजा इशू हुआ है विद 30 मिनट इंटरव्यू उनका हुआ था, 30 मिनट। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। इस तक मुंह नहीं खोलोगे ना, लेकिन कब मुंह खोल सकते हो, जब आपके अंदर टैलेंट होगा। टैलेंट है, फिर आता कुछ नहीं है, लेकिन हाँ सैलरी चाहिए मोटी। फिर इसके बाद जो है ना, इन्होंने मेरे से इन्होंने मुझे कहा ठीक है, इधर आ जाओ ना बकर भाई, इंटरव्यू करेंगे। मैं कहा ठीक है, मुझे फिर ना इन्होंने जूम पे इंटरव्यू की कॉल कर दी। इन्होंने जूम पे इंटरव्यू कॉल की, पहले एचआर ने की, एचआर ने सिर्फ मुझसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूछे जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। मैं कहा, उन्होंने कहा ये है आपके पास, ये है, ये है, ये है, ये है। मैं कहा सारा कुछ है। उसके बाद उन्होंने कहा टेक्निकल इंटरव्यू नेक्स्ट वीक में आपका टेक्निकल इंटरव्यू है। मैं कहा ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू। उन्होंने मुझे शेड्यूल भेज दिया, मैं फिर अपने आप को प्रिपेयर करके बैठ गया, इंटरव्यू दिया। अब एक घंटा इंटरव्यू चला टेक्निकल, एक घंटा इंटरव्यू के बाद फिर इन्होंने क्या किया, मुझे कन्फर्म नहीं किया, मुझे कहते हैं कि आपका एक और इंटरव्यू है। मैं कहा ये कौन सा इंटरव्यू लेना, इसमें इसने इतना कुछ पूछ लिया है तो दूसरा कौन सा। फिर मैंने ना एचआर को फ़ोन किया जो यहाँ पे एचआर था, मैं कहा ये अभी तीसरा इंटरव्यू किया लेना आपने। कहती है आपने जिस जिस प्रोजेक्ट पे और जिस जिस मशीन के ऊपर काम किया ना, ये उसके बारे में पूछेगा आपसे। मैंने अपनी असाइनमेंट ना एक्सेल शीट के और वर्ड के ऊपर तैयार कर ली, स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है इसकी पिक्चर ले ली, इसके बाद एप्लीकेशन कौन सी चल रही है उसकी पिक्चर ले ली, बना मैंने पूरा एक असाइनमेंट तैयार की वर्ड के ऊपर। अब जब वो आया तो मैंने अपने एक सेफ वे के लिए की, जब मैं आया तो वही उसने पूछा, उन्होंने कहा अपना प्रोजेक्ट में शो करो, अपनी स्क्रीन शो कर दो, शेयर करो मेरे साथ। मैं कहा करो। जब सामने आया, मैं ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करके बैठा हूँ, मैंने सारी स्क्रीन शेयर कर दी। अब जैसे विंडो लगी हुई एग्जांपल है, उसने कहा विंडो के ऊपर क्या लगा, ग्लास लगा हुआ है, अंदर कितने पेपर लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, समझ रहे हो ना। उसको बताना है कि भी आपके 2 बाजू हैं, 2 टांगे, 2 आंखें हैं। अब जब ये नहीं बताओगे तो वो कहेगा कि आपने काम ही कुछ नहीं किया। एक बात ना, यहाँ पे ये वीडियो जब भी चलेगा, जब भी अपलोड होगा, मैं एक बात बता दूँ, कुछ एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ना, अच्छे लोगों को मिस कर देते हैं। ये जो एक्सपीरियंस आप ये बताया ना, ये सबके साथ होता है। यहाँ पे ना तो हर आदमी ना मुंह जरूर खोलना। अगर तुम्हारी 2000 सैलरी है ना, तो बोलना 3 चाहिए, तब जाके तुमको 2.5 मिलेगा। ऐसे ऐसे ये फैक्ट, इसलिए इनका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। और जितने लोगों को आप देख रहे हो ना, ये सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं जो माल्टा के अंदर बैठे हैं और कहीं ना कहीं अपने लाइन में कैलिबर लोग हैं। इसके लिए सब लोगों की बात, जैसा कि ये अपना एक छोटा है यहाँ पे, ये भी यूट्यूबर है, इसकी बात में एकदम था कि भाई यहाँ पे कुछ लोगों के साथ गड़बड़ हो जाता है, तो इसके बात में भी सही था कि 280 नहीं भरना चाहिए। जो भी है, इसके भी वीडियो देखो, इसको सपोर्ट करो। अपना एक नया एक और यूट्यूबर है, अपना क्या नाम है छोटे तरह, अंशु, विलेजर किंग नाम का है, इसको भी सपोर्ट करो। इन लोगों को मैंने बोला, जो भी प्रॉपर देखो, यूट्यूब का मतलब, एक इन्फ्लुएंसर का मतलब सिंपल क्या होता है मालूम है, आप सोसाइटी को अच्छी न्यूज़ दो, अच्छी न्यूज़ देखो। देखो हम लोग अभी गैदरिंग करके बैठे हैं, बहुत सारे लोग हमारी नज़र है, लेकिन उनको नहीं पता है कि हम लोगों के कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। आज तुम्हारी उम्र 25 है, कल तुम्हारा बच्चा आएगा, एक एग्जांपल 25 है, 29 है, मेरा 35 है, इसका जो भी एज हो, हम लोग आने वाली नस्ल को ठीक करना चाहते हैं ना। आज अगर हम माँ बाप से, भाई बहन से दूर हैं, या बीवी से, बच्चे से दूर है, क्यों दूर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल सही हो। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात पाकिस्तानी भाइयों को और बांग्लादेशी भाइयों को खासकर बोलना चाहूँगा मैं, जो कर रहे हो ना गलत कर रहे हो। अगर इस कंट्री में वीज़ा दिए इनको तो टिके है ना, आप भी ऐसा टिको, भागो मत। जो इंडियन पंजाबी है ना, खासकर उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और बड़ा भाई हो छोटा भाई समझ के बता रहा हूँ, भागो मत। आते हो माल्टा में टिको, थोड़ा साल काम करो, लीगल वे में कैंसिल होके जाओ, भागो मत। भागने से क्या होता है, लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है, सही है। आज एक बंदा बिहार से आके यहाँ पे सेटल हो सकता है ना, तो हर आदमी हो सकता है। आपकी बात कट कर नहीं बोलिए, अभी मेरी वजह से उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी माल्टा में जो 1 साल से मेरा प्रोसेस चल रहा था जी, 1 ईयर से मेरी कंपनी ने देखा कि ये पाकिस्तानी पहुंच गया हमारे पास जी। अब उन्होंने फौरन एक और पाकिस्तानी को सिलेक्ट किया, वेरी गुड, आपके ही लेवल पे नहीं, जूनियर लेवल पे आ रहा है, लेकिन उन्होंने एज इलेक्ट्रीशियन उसको सिलेक्ट किया है इस बिहा पे कि वो हैप्पी हुआ। मैं जिस दिन आया हूँ, फर्स्ट डे था मेरे ऑफिस में, तो वो उन्होंने आते साथ ही जो हमें वेलकम किया, प्रॉपर वेलकम किया, ऑफिस के पूरे स्टाफ ने वेलकम किया। वेलकम करने के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा, उन्होंने कहा कि हम तो ये सोच रहे थे कि अब आप नहीं आएंगे, हाँ, कि 1 साल गुजर चुका है और अब आप जो है ना थक चुके हैं इस काम से, लेकिन आप हार नहीं मानी। और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट करने के बाद उन्होंने एचआर मैनेजर आया, लड़की है यहाँ पे, तो एचआर मैनेजर आई है, आके उसने मेरे साथ शेक हैंड किया, प्रॉपर शेक हैंड करके, और फिर मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलें, मुझे लेके गई है और पूरे ऑफिस के अंदर राउंड करवाया, 1 बाय 1 एक
हर एक को इंट्रोड्यूस हुआ है कि दिस इज उमर एंड ही कम फ्रॉम कतर एंड नाउ ही इज वर्किंग विद अस, दिस इज आवर कोलीग, और ये और उनका मुझे डेजिग्नेशन बताया हर एक का। और सबसे बड़ी बात आते साथ ही मेरा उन्होंने मेरे आने से पहले ही मुझे जो है उन्होंने मेरा ईमेल क्रिएट किया, ऑफिशियली ईमेल। वो क्रिएट करने के बाद जैसे ऑनलाइन एक सर्वर होता है हर कंपनी का जिसमें कॉन्फिडेंशियल डाटा भरा होता है, उन्होंने मुझे आते साथ ही उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दिया फुल राइट्स के साथ। यानी कि उनका एक ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट बनने के वजह शेयर करने का ये मकसद है कि उन्होंने एक ट्रस्ट किया कि ये पाकिस्तानी और पूरी कंपनी के अंदर मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ, बाकी सब लोकल माल्टीज हैं, मैं अकेला पाकिस्तानी उनके साथ मिलकर बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने जब अपनी स्पीकिंग माल्टीज में बात की ना तो मुझे कुछ वर्ड्स उनके समझ आ गए। अब उन्होंने कहा कि तुझे कैसे समझ आ गए हैं, मैंने उनको कहा कि मैं अरबी जानता हूँ और जो आप बोल रहे हैं ये अरबी से मिले जुले वर्ड्स हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो अरबी, ये हमारी लैंग्वेज जल्दी सीख जाओगे। अब वो मुझे उस पर टीच करते हैं, सिखाते हैं। वो कहते हैं कि आप, हमारी कोशिश है कि आप हमारी लैंग्वेज ही हमारे साथ यूज़ करो और जितनी जल्दी हो सकता है उम्मीद है आप सीख जाओगे। अब मेरी भी कोशिश है, उनको जब वो कुछ स्पीकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन आपस में करते हैं, क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ ये यूरोप की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी गुड, और ये हाई लेवल पे काम करती है जो कि आप समझ लें ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं सेम उनको फॉलो करती है। ISO स्टैंडर्ड्स के बगैर ये कंपनी नहीं चलती, काम ही नहीं करती। अगर कोई भी ISO स्टैंडर्ड्स के बगैर काम करेगा तो ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, और आते साथ ही ISO स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करवाते हैं। ये डिटेल में बात फिर किसी दिन करेंगे, किसी दिन। ये अभी कहने का मकसद ये है कि मेरा यहाँ पे आने का, मैं जैसे आया हूँ उनको मेरे पर ट्रस्ट बन गया। अगर मैं यहाँ से आकर किसी और कंट्री में चला जाता हूँ तो उनका हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर मेरी वजह से एक इमेज ख़राब हो जाएगा कि यार ये लड़का हमने बुलाया है, इसने मेहनत की है, हमने पैसा लगाया, मेरे पे सारा पैसा उन्होंने लगाया, ट्रेनिंग किया आपका सब कुछ है ना। अब मुझे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने मेरी इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर, जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर और दुबई के अंदर कंपनीज हैं जो कि इनके साथ रजिस्टर हैं, उनका एक पोर्टल होता है ऑनलाइन, उस पर मुझे आते साथ ही पहले दिन उन्होंने मुझे रजिस्टर किया। और ये वो रजिस्टर करवाता है जिन, यानी कि जो कि एक समझते हैं कि हमारा एक बहुत खास आदमी है जिन चीज़ों पर उन्होंने मुझे रजिस्टर किया है। अभी कल मुझे एक लिंक आया मजीद, एक इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी है हमारी जो हमारे साथ मिलकर काम करती है, अब उनके पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने मुझे कल लिंक भेजा लेकिन मैं नहीं कर सका, टाइम शॉर्ट था। अब कल इंशाल्लाह फर्स्ट नहीं, मुझे बात देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बी एंड प्राउड इन पाकिस्तानी, इस वक्त तो ये वर्ड बनता है, बिल्कुल इस वक्त ये वर्ड बनता है। थैंक यू। पाकिस्तानी होने पर प्राउड करना पड़ेगा दोस्त, आप लोगों को अब करना पड़ेगा। बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे पूछ रहे थे मलिक भाई क्या न्यूज़ है मेरे लिए, ये न्यूज़ है। आप लोग कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है माल्टा आना, मैंने कोशिश की है और मैंने अपने यानी कि शोल्डर के ऊपर रख के ईमेल्स भी की हैं और रिस्क भी लिया। मैं कतर के अंदर बहुत वेल सेटल था, कतर में मैं एक अच्छा पैकेज ले रहा और वहाँ से मेरे नहीं ख्याल के कोई आदमी ऐसी जॉब छोड़ के आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में था और जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, मेरे अंदर 28 हेल्थ सेंटर थे जिनको मैं लोकली वहाँ कतर के अंदर मोनिटर कर रहा टेक्निकली साइड IT के अंदर, और वहाँ पे मैं हेडक्वार्टर में बैठता था, कॉर्निश के ऊपर है म्यूज़ियम की बैक साइड पे, जिसे PACC गोल्डन टावर भी कहते हैं। तो अब वहाँ पे कोई बंदा ऐसी जॉब नहीं क्यूट करेगा क्योंकि मुझे हर चीज़ वहाँ पे मिली हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया कि आगे इंसान को बढ़ना चाहिए, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने रिस्क लिया और रिस्क ले कर मैं यहाँ पर आया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कोई बैड नहीं है, यहाँ भी बहुत अच्छा है और आगे मुझे अपना एक फ्यूचर नज़र आ रहा है ब्राइट कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जब हम किसी जगह पे आते हैं वहाँ पे हमें टाइम देना पड़ता है, तो उसमें मुझे कम से कम 6 माह या 8 माह लग जाने हैं उस ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो होपफुली उम्मीद है कि जो चीज़ें मैं कतर में छोड़ के आया हूँ यहाँ पे आपको मिलेगा, बेहतर एनवायरनमेंट मुझे यहाँ मिल जाएगा, उससे बेहतर मिल जाएगा। बहुत अच्छा है इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, और यहाँ पे जितने लोग आपको देख रहे हो ये पीछे सब खड़े हैं, ये सब आए मिलने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इन्होंने, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, माल्टा में आता हूँ स्पेशली, अपना पैसा खर्चा करके आता हूँ ताकि आपको ऐसा लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ और लाइव आके आपको बात करता हूँ, कोई भी एडिटिंग वीडियो नहीं होता है मेरा। तो कैसा लगा वीडियो, जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।